हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सिस्का की स्मार्ट एलईडी बल्ब की। बड़ा ही कमाल का बल्ब है और ये दोस्तों अमेज़न एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है, तो आप अपने घर को एक स्मार्ट लाइटिंग होम में बदल सकते हैं इसकी मदद से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेज़न एलेक्सा की मदद से आप बोलकर भी अपने घर की लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको उसका बॉक्स दिखाता हूं दोस्तों। इसकी प्राइस जो है बड़ी ही रीजनेबल है, तकरीबन 1600 रुपीज़ में ये आता है। और अगर आपके पास एलेक्सा नहीं भी है तो भी ऐप के थ्रू आप इसको चला सकते हैं। तो यहां पर आप बॉक्स देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बॉक्स यहां पर आता है। यहां पर सारी चीजें इसके बारे में डिस्क्राइब की गई हैं कि कैसे आपकी मदद से आप इसे चला पाएंगे। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे वर्क करती है। सिर्फ 7 वोल्ट का ये बल्ब है। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अमेज़न इको है और इसकी मदद से आज हम अपने बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं, तो खैर बहुत मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से अपने बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या मिलता है। और यहां पर मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है और ये रहा हमारा स्मार्ट बल्ब। खैर इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है हमें, अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और हमें यहां पर क्या मिलता है। और यहां पर मिल गया हमें थोड़ा सा पेपर वर्क। तो दोस्तों ये रहा हमारा बल्ब। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 3 मिलियन शेड्स आते हैं इस बल्ब के अंदर, आप बहुत सारे कलर चूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो होल्डर है वो B22 है, तो यानी कि आपका जो नॉर्मल घर में जो होल्डर्स होते हैं उसमें ये बल्ब जो है वो आसानी से फिट हो जाएगा। क्वालिटी तो खैर काफी अच्छी लग रही है और खैर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं और यहां पर हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले इस होल्डर में हम इसको लगा देते हैं। ओके, तो मैंने इसे आसानी से लगा दिया है यहाँ पर। और अब हमें इंस्टॉल करनी होगी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है सिस्का स्मार्ट होम, जो आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है इसको इंस्टॉल। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी वेरिफिकेशन वगैरह करनी होगी, नंबर वगैरह हमें डालना होता है। और ये आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगी है अभी, तो इस तरह से ये हम इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी ब्लिंक नहीं कर रही है तो यहाँ पर मैनुअल दिया गया है कि आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है, यहाँ पर हमारी स्मार्ट लाइट आ गई और दोस्तों आप देख रहे हो वो भी ब्लिंक कर रही है। तो अब हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और खैर हो गया है 100%। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी जो बल्ब है वो कनेक्ट हो चुका है और हम जैसे चाहें उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बटन दबाया और यहाँ पर वो बंद हो गई, और हम इसकी मदद से इसको चालू भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हो रही है। और दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं हमें इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, जैसे आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास अमेज़न इको नहीं भी है तब भी आप ऐप की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपना मन चाह कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं, और अपने मूड के हिसाब से भी आप लाइटिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी लाइटिंग को यूज़ कर सकते हैं, सैड है तो वैसी लाइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। खैर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसे अमेज़न एलेक्सा के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके लिए हमें अमेज़न एलेक्सा की ऐप को उतारना होगा और स्किल्स में जाना होता है। यहाँ पर सिस्का स्मार्ट होम हमें टाइप करना है और उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अनेबल करना होगा हमें। और छोटी सी वेरिफिकेशन होगी जो हमें यहाँ पर दोबारा से करनी है, और अब जो हमारा जो डिवाइस है वो अमेज़न एलेक्सा से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हमारा स्मार्ट बल्ब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर भी आप इसकी ऐप की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, और दोस्तों आप इसको कोई नया सा नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ऐप से भी मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं कि एलेक्सा में ये कैसे काम करता है। एलेक्सा इंक्रीज लाइट टू 100%। ओके। एलेक्सा टर्न लाइट टू ग्रीन। ओके। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क किया है इसने। अब मैंने इसको अपने सेटअप में लगा दिया है और देखते हैं किस तरह का लुक यहाँ पर आएगा और कैसा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। एलेक्सा टर्न लाइट ऑन। ओके। ओह माय गॉड, ये तो वर्क कर रहा है। एलेक्सा चेंज लाइट टू ग्रीन। ओके। एलेक्सा चेंज लाइट टू रेड। ओके। ओके, तो दोस्तों अभी हम अपने पीएस के साथ इसको मैच करेंगे और देखेंगे कि वैसा ही बैकग्राउंड लगाने पर किस तरह की इमेज जो है सामने आती है। एलेक्सा टर्न लाइट टू ब्लू। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल ब्लू हो गई है और अब हमारे सेटअप के साथ मैच हो रही है। इस तरह जब भी आप कोई गेमिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह की गेम को खेलते हैं तो उस टाइम आप उस गेम की थीम के हिसाब से अपनी लाइट को रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगेगा। तो दोस्तों रियल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले मुझे सारी चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी, बार बार बल्ब को चेंज करना पड़ता था। तो दोस्तों अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी गेम खेल रहा हूँ, मेरी कोई भी थीम लगी हुई हो, मैं उसके अनुसार सिर्फ बोलकर अपने कलर्स को चेंज कर सकता हूँ या फिर लाइट को बंद या फिर चालू कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर फीफा में किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा
हेल्प आपको मिलेगी बार बार अपने सेटअप को, डिफरेंट लुक आप देख सकते हो। और अगर कहीं भी आप जा रहे हैं घर से बाहर तो आपको बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं GTA खेल रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट कलर को मैंने खाली बोल कर ही चेंज किया। दोस्तों इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है जब आप रात को गेमिंग कर रहे हैं और अपना फेवरेट कलर आपने पीछे लगाया हुआ है, तो खैर एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है मिलता है। और खैर दोस्तों हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है तो हमारी लाइटिंग को भी स्मार्ट होना चाहिए। और दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है, अब मैं कहीं भी जाऊँ मुझे लाइट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम Alexa अपने आप कर देती है। Alexa, turn off the light. Okay. Alexa, turn off the light. Okay. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा इसका स्मार्ट बल्ब के साथ, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने वर्क किया। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं मैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और अनबॉक्सिंग के लिए, और दोस्तों शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो इसे लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।